शिमला में दो टैक्सी यूनियन के बीच उपजा विवाद हल होने का नाम नहीं ले रहा है। सिरमौर के चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन के बाद देवभूमि टैक्सी यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में टैक्सी कारोबारी धरने में शामिल हुए। टैक्सी यूनियनों का विवाद चल रहा है शिमला में, शिमला वर्सेस सिरमौर एक तरह से हो गया अब ये पूरा मसला। बीजेपी भी इसमें आरोप लगा रही है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आपके मंत्री, आप भी सिरमौर से आते हैं, क्या एक मानते हैं इसको विवाद को किस तरह से सुलझाया जाएगा, क्या सरकार कुछ कर रही है? देखो ये जो मामला है ये दो टैक्सी यूनियन के बीच की लड़ाई है, ये बिजनेस इंटरेस्ट की जो है वो लड़ाई है। इसमें शिमला वर्सेज सिरमौर का जो रंग देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत है, और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और वरिष्ठ नेता भी इसमें हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसा ना करें। ये छोटा सा झगड़ा जो है आपस में दो टैक्सी यूनियन के बीच में हुआ है, और हमने तो इसको मामले को सुलझाने की कोशिश की, और हमने अपने जो सिरमौर के टैक्सी यूनियन के लोग हैं उनको भी कहा है कि आपस में बैठ करके इस मसले को जो है वो सुलझा लिया जाए। मगर ये कि कुछ ये जो प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ कांग्रेस सिरमौर के लोगों द्वारा किया है, पहले शिमला के लोगों द्वारा किया है, शिमला नहीं मगर ये कसुमटी के ही कुछ लोग हैं या शिमला शहर के आसपास के लोग हैं ये लोग टैक्सी में, तो सब लोगों को क्योंकि शिमला राजधानी है, शिमला में हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं। किसी मेरा नाम अजय ठाकुर है, मैं देवभूमि अध्यक्ष हूँ। जो ये लड़ाई है ये हमारी देवभूमि की नहीं है, और जो हमारे यहाँ शिमला की जितनी अराउंडिंग हमारी क्या नाम अपनी यूनियन है उनकी लड़ाई है, जैसे कि व्यवसाय के लिए है। कुछ दिन पहले जो हमारे नरेंद्र जी इनसे एक झगड़ा हुआ छोटी सी बात में, इन्होंने अभी एक राजनीति क्या नाम क्षेत्रवाद का मुद्दा बना दिया। ये क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है, हमारी मांग है जितने भी ये क्या नाम जो इसमें लड़के आरोपी है उन्हें अरेस्ट किया जाए। इतने दिन हो गए अभी तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए है? प्लस जो इन्होंने हमारे जो मंत्री है इनके जिन्होंने टिप्पणी की है उसकी हम टूरिस्ट के उनसे लड़ाई हुई, उनकी बैकबोन तक तोड़ी इन्होंने, अब गुंडागर्दी पे तो ये लोग उतर आए हैं। हम तो फिर भी भाई बंदी की बात कर रहे हैं इनसे, काम से हमने आज तक ना इनको रोका है ना रोक रहे हैं। हाँ अगर ये नकली गुंडागर्दी करेंगे और डराने की कोशिश करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, हम भाई बंदी की बात करते हैं। हल ऐसा होगा जैसा पहले, तो सबसे पहले तो जी जो आरोपी है सबसे पहले प्रशासन उनको अरेस्ट करे, उनकी गाड़ियां बॉन्ड करे, उसके बाद हम जैसी भी हमारे प्रशासन हमें कहेगा बातचीत करने के लिए। हाँ जी लड़ाई उन्होंने 60-70 लड़के आते हैं और रात को 9 बजे एक यूनियन पे हमला कर देते हैं। 9 बजे कहीं भी यूनियन में 2-4 लोग से ज्यादा नहीं होते हैं, और ये 70 लोग आते हैं और 2 आदमियों को मार के चले जाते हैं, ये इनकी दिलेरी नहीं है। और फिर उसके बाद अपना नाम कोई लारा बोलता है, कोई लादेन बोलता है, कोई जॉनसन बनता है, आप बताओ ये इनके नाम है, ये इनकी डेफिनेशन है? आप शिमला में काम कर रहे हो अपने नाम से काम करो ना कि क्षेत्रवाद को। बीजेपी वाले तो आजकल बिल नहीं है घर में अपने, कुछ कोई रानिया वाले इलेक्शन में चल जाएगा पता 2024 के उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोल नहीं है। आप ये बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा, चलो जो ऐसा बोल रहे हैं कि सिंह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा, कोई एक स्टेटमेंट ही बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे मेरे को कहीं भी पब्लिक मंच में या कमरे में बैठ के भी एक हमारी स्टेटमेंट बता दे कि हमने किसी क्षेत्र के खिलाफ बात करी। आपको ये लगता है नितिन जी कि इसको ऐसी बात नहीं है, मजबूरी में लोग चलाते हैं, कोई इनको शौक नहीं है कि दिन रात जो है सड़कों में जो गाड़ी लेके चल रहे हैं वे लोग, उनको कोई शौक नहीं है। लेकिन उनका जो है नुकसान जो है, एक चंद एक जो लोग हैं 3-4 जो क्षेत्रवाद की बात करके या गुंडागर्दी की बात करके जो है हवा जो है माहौल जो है खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सब उन्हीं का है। हम भी चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सुलझे। हमारा हमने एसपी से भी मैंने बात करी है, डीजीपी से भी मैंने बात करी है कि इमीडिएटली जो है हमारा सिर्फ एक मानना है कि जो आदमी दोषी था जिस तरफ का होगा, चाहे वो जिस जिले मर्जी, चाहे वो किसी भी जिले का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे उसका व्यवसाय कोई भी हो, और जो कि उनको उनके ऊपर जो है जो इन्वॉल्व थे क्राइम में उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो गाड़ियां हैं वो बाउंड हो, इतनी सी बात है। और जो पुलिस वाले जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इतनी सी तो बात है। ये तो एक राजनीतिक माहौल जो है, हवा जो है माहौल खराब करने के लिए कुछ एक लोग